नमस्कार, बेटा मेरा LKG में पढ़ता है। मेरे को जीवा में मैंने अपने बच्चों का जो एडमिशन कराया है वो मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चे एक्चुअली पढ़ते थे स्कूल में, तो मैंने अपने बच्चों को भी जीवा में एडमिशन दिलाया उनके प्रोग्रेस को देख के और उनका नेचर देख के। एक रेस्पेक्टफुली उनका नेचर था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने बच्चों को इसी स्कूल में डालती हूँ तो मेरे बच्चे भी इसी बेस पे चलेंगे। मेरी बेटी ने, जैसे मैं कह रही हूँ, 5 साल से स्कूल के साथ है और मैं भी 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो जीवा स्कूल ने मेरी बच्ची के अंदर कम्युनिकेशन लेवल बहुत बढ़ाया है। अब वो हेजिटेट नहीं होती किसी से भी बातें करने में, वो अपने जो भी उसके आइडियाज़ होते हैं, जो भी उसके व्यूज़ होते हैं, वो ओपनली किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि मैं अपने बेटे के बारे में बताऊं, मेरा बेटा बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाय था और किसी के सामने बिल्कुल बोलता ही नहीं था, लेकिन मैंने जब से जीवा स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाया, मेरा बेटा भी अपनी कम्युनिकेशन लेवल में बहुत हाई है। डिटॉक्स टाइम के लिए जो इनकी फिलॉसफी है, डिटॉक्स टाइम, वो भी मेरे बच्चे फॉलो करते हैं घर जाके, और हम लोगों को भी बताते हैं, अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं जाके कि 1 घंटे के लिए छोड़ दो, हमसे बातें करो, और अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। एक स्कूल ने एक डेवलप कर रखा है बच्चों की हेल्थ को लेके भी, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे की हेल्थ के लिए इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही स्कूल भी इन्वॉल्व हुआ है, एक बैलेंस डाइट दे रखी है, तो हमें भी मालूम है कि हमें अपने बच्चे को किस किस टाइम पर क्या खिलाना है, तो इससे बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ी है। मेरे बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ स्कूल ने जो सिखाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ स्कूल का।